ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ छोटे बच्चों के सबसे असरदार दवाइयों के बारे में। कौन सी दवा किस काम में आती है, छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो इन सभी दवाइयों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन हमारी पैरासीटामोल सिरप है, जिसका उपयोग रिड्यूस फीवर एंड पेन में करते हैं, यानी कि बुखार के साथ साथ मांसपेशियों एवं शरीर में दर्द होने पर जो है वो पैरासीटामोल सिरप बच्चों को देते हैं, जिसका डोज 15 mg/kg कैलकुलेट करके हमें देनी है। देखिए यहाँ पे बच्चा कितने भी kg का हो, ठीक है, उसे 15 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा उतने mg जो है वो हमें दिन भर में देनी है। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, मानिए कोई बच्चा 8 kg का है तो 8 × 15 इस कल टू कितना होगा, तो 120 mg यहाँ पे आता है। मतलब कि अगर कोई बच्चा 8 kg का है तो उसे एक दिन में कितने पैरासीटामोल सिरप हम दे सकते हैं, तो 120 mg जो है वो हम उसे दे सकते हैं, ठीक है। अगली दवा हमारी स्पोरलैक पाउडर है, जिसका उपयोग डायरिया, दस्त एवं दूध नहीं पच पाना, क्या होता है ना जब बच्चे को आप दूध पिलाओगे उसके सडनली यहाँ पे ठीक बाद जो है वो बच्चे को उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम स्पोरलैक पाउडर देते हैं, जिसका डोज 0 से 6 मंथ के बच्चों को हाफ पैकेट पानी में मिलाकर दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बच्चा 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का है तो उसे 1 पैकेट जो है वो पानी में मिलाकर स्पोरलैक पाउडर देते हैं। क्यों देते हैं, तो यहाँ पे दूध नहीं पच पाना जिस कंडीशन में उल्टी हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका सिंपल सा फंडा ये है ना कि उल्टी होने की वजह से भी क्या होता है ना, बॉडी फ्लूइड्स की लॉस होती है, डायरिया के कंडीशन में भी बॉडी फ्लूइड्स की लॉस होती है, तो उसे मेंटेन रखने के लिए जो है वो स्पोरलैक पाउडर हम बच्चों को देते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको समझने में कुछ भी दिक्कत हो रही हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी सिट्रिजिन सिरप एंड ड्रॉप आती है, जिसका यूज स्नीजिंग, छींक आना, ईचिंग, खुजली होना, वॉटरी आई, आंखों से पानी आना, रनी नोज, नाक बहना, तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए सिट्रिजिन सिरप या फिर से ड्रॉप का यूज़ जो है वो हम करते हैं, जिसका डोज 0.25 mg/kg कैलकुलेट करके दिन में एक बार देनी है। देखिए यहाँ पे बच्चा जितने भी केजी का हो उससे यहाँ पर 0.25 mg से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा mg बनेगा उतने mg जो है वो हम बच्चों को एक दिन में एक बार देंगे। जैसे कि कोई बच्चा यहाँ पे 8 kg का है तो 8 × 0.25 mg इस कल टू 2 mg हमारा बनेगा, ठीक है। मानिए यहाँ पे कोई बच्चा 8 kg का है तो उसे एक दिन में हम कितने mg सिट्रिजिन सिरप या फिर से ड्रॉप देंगे, तो 2 mg जो है वो हमें उसे एक दिन में देनी है। क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी सलाइन नसल स्प्रे आती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है एंड काफ़ी पॉपुलर है। सलाइन नसल स्प्रे का हम यूज़ कब करते हैं, तो बंद नाक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के वजह से क्या होता है ना, बच्चों का नाक जो है वो बंद हो जाता है, तो उसे खोलने के लिए, उसे ठीक करने के लिए सलाइन नसल स्प्रे हम देते हैं, जिसका डोज 2 drops BD दिया जाता है। BD कहने का मतलब दिन में 2 बार, ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी आपको ये सैंपल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है BD, तो BD का मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार।
ठीक है दोस्तों, हमारी अगली मेडिसिन रेसिका डॉटरिल सिरप है, जिसका उपयोग डायरिया के कंडीशन में हम करते हैं। मानिए किसी भी बच्चे को यहाँ पे दस्त हो गई है, डायरिया हो गई है, तो उस कंडीशन में हम रेसिका डॉटरिल सिरप देते हैं उसे ठीक करने के लिए, जिसका डोज 3 मंथ से ज़्यादा के बच्चों को हमें देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि रेसिका डॉटरिल सिरप जो है वो हम जब बच्चों को देंगे तो वो बच्चा जो है वो 3 मंथ से अधिक का होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा 3 मंथ से कम का है तो हमें जो है वो इस मेडिसिन को अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर यहाँ पे 3 मंथ से अधिक का है तो कितने डोज हम देंगे, तो 1.5 mg/kg कैलकुलेट करके TDS हमें देनी है दिन में 3 बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी केजी का बच्चा हो उसे 1.5 mg से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद जो भी mg हमारा बनेगा उसे जो है वो दिन भर में 3 बार देनी है। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 10 kg का है, 10 kg का है, तो 10 × 1.5 mg इक्वल टू कितना बनेगा, तो 15 mg जो है वो हमारा बनेगा। कोई बच्चा 10 kg का है तो उसे एक दिन में कितने mg रेसिका डॉटरिल सिरप हम देंगे, तो 15 mg जो है वो एक दिन में 3 बार करके हमें देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए, या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डोमपेरिडोन सिरप है, जिसका उपयोग वोमिटिंग, उल्टी होना, खाना नहीं पच पाना, दूध नहीं पच पाना, क्या होता है ना, बच्चे को हम दूध पिलाते हैं या फिर से खाना खिलाते हैं उसके ठीक बाद जो है वो वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो उस कंडीशन में डोमपेरिडोन सिरप हम बच्चों को देते हैं। जिसके डोज के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे 6 मंथ से अधिक के बच्चों को ही हमें ये मेडिसिन जो है वो देनी है। अगर कोई बच्चा 6 मंथ से कम का है तो उसे बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, ये मेडिसिन उसे नहीं देनी है। वहीं पर 6 मंथ से लेकर 4 मंथ के बच्चों को 0.15 mg/kg कैलकुलेट करके, यानी कि जितने भी केजी का बच्चा होगा उसे 0.15 mg से के मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा बनेगा वो हमें दिन भर में 3 बार देनी है। TDS कहने का मतलब 3 बार। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चा अगर 4 साल से लेकर 11 साल तक का है तो उसे 4 mg दिन भर में 3 बार जो है वो देनी है। ठीक है, TDS कहने का मतलब कि दिन में 3 बार 4 mg जो है वो हमें बच्चे को देनी है, अगर बच्चा 4 साल से लेकर 11 साल तक के बीच का है तो। ठीक है, हो गई बातें क्लियर दोस्तों। ये सभी दवाइयाँ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं, घर में होनी चाहिए अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है, स्पेशली अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो ये सभी दवाइयों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। वहीं पर आपको यहाँ पे कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं या फिर से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी मेडिसिन्स की जानकारी दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही उपयोग करना है। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी साइड इफेक्ट आता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।